अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास नेक्स्ट आज हमने 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में आप लोगों को कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और आपसे कहा हुआ है कि आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको प्रूव करें। गिवन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके उसे राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। अब देखिए, जैसे आपको बताया हुआ है कि वाई इक्वल्स टू ई पार ए एक्स साइन बी एक्स, आपको एक फंक्शन दिया, आपने शो करना है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस टू ए सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो आता है। इसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। अब उसके लिए बचे आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपने वाई लिखा ई की पार ए एक्स साइन बी एक्स जो आपको गिवन था। यहाँ दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो आपके पास प्रोडक्ट टूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आपको क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और साइन का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स इंटू बी आ जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखिए, जब साइन का डेरिवेटिव लेना है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और अगर एंगल चेंज हो तो एंगल का अगेन डेरिवेटिव। इसी तरह एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज होता है, उसकी पावर एक्स के अलावा कोई और आ रही हो तो पावर का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेने के बाद जो चीज़ कॉमन आ रही थी आपने कॉमन निकाल ली और बाकी सारी टर्म को एज इट इज लिख दिया। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है फर्स्ट डेरिवेटिव की, आपको भी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेने के लिए आपने अगेन बहुत सारी डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। आप अगेन बहुत सारी डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड पे जो सिंगल डेरिवेटिव था वो डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जब आपने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है एक कॉन्स्टेंट नंबर एज इट इज और साइन बी एक्स का, जैसे ऊपर डेरिवेटिव डिफाइन किया था कि साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का अगेन डेरिवेटिव, यहाँ पे भी बी कॉन्स्टेंट एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का आपके पास अगेन डेरिवेटिव। सिमिलरली जब सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना था तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज और उसकी पावर चेंज है इसलिए पावर का अगेन डेरिवेटिव। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, ये जो ए बी इसको प्रॉपर सीक्वेंस से लिख लोगे बी इंटू बी बी स्क्वायर बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस। सिमिलरली देखिए, इसमें से भी ई की पार एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी ई की पार एक्स कॉमन आ रहा है तो ये ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ए बी आ जाएगा। अब जो सेम साइन के साथ आ रही है उसे आप ऐड कर लें। अब सिंप्लीफाई करने के बाद देखें डबल डेरिवेटिव भी आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड लिखें, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करें। जब आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे आप देखेंगे आपकी कोई ना कोई टर्म जो है वो ज़रूर कैंसिल हो रही होगी और यहाँ पे जैसे ये एक टर्म ई की पार ए एक्स टू ए बी और कॉस बी एक्स है, यहाँ पे भी देखें ई की पार ए एक्स, यहाँ पे आपके पास कॉस बी एक्स आ रहा है बी आर और सामने बाहर से माइनस टू मल्टीप्लाई आ रही है, प्लस माइनस होके एक दूसरे के साथ सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये जीरो के इक्वल प्रूव हो जाएगा।